मार्क रफेलो ने ऐसा हल्क कितना पैसा बनाया है? Well, रफेलो को एमसीयू में पहली बार दी एवेंजर्स से इंट्रोड्यूस किया गया, जहां उन्हें इस रोल के लिए $3 million दिए गए। लेकिन बाकी एक्टर्स की तरह एज ऑफ अल्ट्रॉन में उनकी पेमेंट नहीं बढ़ाई गई, बट तब भी उन्हें फिर से $3 million दिए गए। और थॉर रैग्नारोक के लिए उन्हें फिर से, जी हाँ बिल्कुल सही समझे, $3 million दिए गए। लेकिन अब उनका 3 million से आगे बढ़ने का टाइम आ चुका था, और इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में उनकी सैलरी को 5 से मल्टीप्लाई करके बढ़ा दिया गया। एज अ रिजल्ट उन्हें इन दोनों मूवीज के मिलाकर टोटल $30 million मिले, और शी हल्क सीरीज में उनके 3 एपिसोड्स के लिए उन्हें $600,000 मिले, और जिससे उनका ग्रैंड टोटल होता है $39.6 million, जो कि इंडियन रुपीज में लगभग 3 अरब 30 करोड़ के बराबर होता है। एंड आई थिंक मार्क रफेलो ने ऐसा हल्का काफी बढ़िया काम किया है, सो ही टोटली डिजर्व्ड इट। वैसे गाइस, अगर यहाँ पर मार्क रफेलो की जगह एडवर्ड नॉर्टन होते तो वो कितना पैसा चार्ज करते?